हाय गाइस, लव इज ब्लाइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं अपना एडमिशन करवाने के लिए आया हुआ हूँ बाहर शहर में। तो आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आज हम क्या क्या करते हैं और आखिर मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, ये सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और मेरे को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और चलते रहिए मेरे साथ। कॉलेज जाने के लिए हमें ऑटो की जरूरत है, तो मैं ऑटो में आ गया हूँ। अब ऑटो से हम कॉलेज का टिकट रखा देख लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं ऑटो में आ गया हूँ और चल पड़ा हूँ अपने कॉलेज की तरफ। पता नहीं आज कॉलेज खुला भी है कि बंद है, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वहाँ के टीचर लोगों से कॉल किया था लेकिन वहाँ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। और एडमिशन का लास्ट डेट थी, इसीलिए मेरे को दौड़ के जल्दबाजी में आना पड़ा। तो आप मेरे साथ करते हैं कॉलेज की तरफ। फाइनली मेरा कॉलेज आ गया, देख सकते हैं आप, वो सामने दिख रहा वही मेरा कॉलेज है। अब हम ऑटो वाले को किराया देंगे और फिर आगे चलते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं मेरे साथ कॉलेज। ये देखिए हम आ गए हैं कॉलेज के रास्ते, वो सामने है मेरा कॉलेज। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है, छुट्टी है कि नहीं है, आखिरकार एडमिशन होगा कि नहीं। मेरे मन में एक दिलासा उठ रही है कि क्या पता खुला होगा कॉलेज या बंद होगा या छुट्टी होगी, जो भी है, या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये सब सोच सोच के मेरा दिमाग में थोड़ा प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होगा।
फाइनली हम दरवाजे पे पहुंच गए हैं, मेन गेट पे कॉलेज के अंदर। चलिए मेरे साथ। वैसे तो कॉलेज खुला ही दिख रहा है, चलते हैं क्या होता है। यहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया गया और तो कुछ नहीं, लास्ट में मैंने इनसे परमिशन ली और अब अपना बाहर की तरफ रवाना। तो गाइस इन्होंने फीस इतना मांगा मेरा कॉलेज का एडमिशन फीस कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने बड़े भैया से कॉल पे बात की और उन्होंने मेरे पेटीएम अकाउंट में पैसे डाले, तब मैं इनको पूरा फीस दे पाया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा लग जाएगा एडमिशन में, और आखिरकार फिर मैंने उनसे पैसे लेके अपना एडमिशन करवा लिया। अब फाइनली मैं खुश हूँ। अब चलते हैं अपने वापस घर, घर की तरफ रवाना होते हैं। आ गए हम मोटर से उतर गए हैं मार्केट में वापस। अब यहाँ हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सस्ता मिल जाए खाने को, कुछ ऐसे भूख लगा है, कुछ नहीं खाया है फ्रेंड्स, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी। फिर फाइनली दोस्तों मेरे को गोलगप्पे की रेडर ठेले दिखा ठेला। अब मैं इसके आ गया हूँ गोलगप्पे खाने के लिए, मेरे को बहुत भूख लगी थी। तो चलिए गाइस आप लोग भी मेरे पास गोलगप्पे खाइए। अब गोलगप्पे खाने के बाद गर्मी बहुत था तो सोचा इसका आइसक्रीम भी खा लिया जाए। तो मैंने आइसक्रीम का प्राइस पूछा 10 रुपये और 20 रुपये बोले, तो मैंने 20 वाला एक आइसक्रीम भी ले लिया और उसको भी अब खा के। देख के बताना गाइस कैसी लगी आइसक्रीम। फिर मैं वैसे से जा रहा था आइसक्रीम ख़त्म कर ली, फिर मेरे को बर्गर भी खाया ठेला, मैं बर्गर खाया के अंदर आ गए। और ये देखिए आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं बस के अंदर से, कि बाहर हरियाली है लेकिन साथ साथ में गर्मी भी बहुत है भाई। पूरा बस गर्मी से भरा हुआ है, इसीलिए मेरे को थोड़ा खिड़की खोल के हवा खाने का मन किया।
और ठंडी ठंडी हवा में, पता है बस के चलते सफ़र में ठंडी हवा मिल जाए तो क्या चाहिए। आपको दिखा देते हैं बस के अंदर का नज़ारा, ये देखिए बस के अंदर यात्री सब लोग जो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों का भी दिखा देंगे मैं आपको। ये देखिए भाई पूरा बस अब खाली होने हो गया है और हम पहुंचने वाले हैं 3 घंटे के लंबे सफ़र के बाद अपने घर की तरफ। वापस रवाना हो जाएंगे तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो फाइनली वो वक्त आ गया गाइस जब हमें बस से उतरना है और ये हमने बस से लगा चला घर। अभी कहाँ घर आया गाइस, अभी तो 2-1 किलोमीटर अपना पैदल रास्ता भी तय करना है। आपको सामने ब्रिज दिख रहा है, इसको पार करना है पैदल चल के, उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। तो चलते रहिए मेरे साथ इस ब्रिज का नज़ारा लेते हुए। रक्षाबंधन का त्यौहार है तो देखिए हर जगह ठेला लगा हुआ है। ये वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया गाइस, ये वीडियो मैंने रक्षाबंधन के पहले वाले दिन बनाया था और डालने का मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए आज फिर से डाल रहा हूँ। थोड़ा बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए गाइस ब्रिज के ऊपर चलने के बाद कैसा नज़ारा दिखेगा, ये देखिए इसके नीचे रेलवे लाइन बिछा हुआ है, आपका कॉलेज स्कूल बने हुए हैं और ये हम चलते जा रहे हैं गर्मी के अंदर, इस ब्रिज को क्रॉस करने में लगे हैं। देख लीजिए गाइस, ये देखिए जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे ही नज़ारा और सुंदर होता जाएगा। ये देखिए हम बीच में आ गए हैं, ये यहाँ स्कूल का निर्माण हो रहा है, सामने नया स्कूल बन रहा है प्राइमरी स्कूल। और चलते रहिए मेरे साथ गाइस, ये दिखा देते हैं आपको स्कूल का नज़ारा थोड़ा। ये देखिए ये स्कूल जो यहाँ न्यू बना है, तो आप देख सकते हैं स्कूल को। अब इसके आगे एक और न्यू स्कूल है, वो भी आपको दिखा देंगे। इसी तरह बने रही है मेरे साथ वीडियो में। ये देखिए मैंने यहाँ एक और स्कूल प्राइमरी, दोनों एक साथ होंगे। ये थोड़ा क्वालिटी वाला और अच्छी तो वाला है ये स्कूल, आप देखते रहिए। इसमें हर रूम में एसी लगा हुआ बच्चों के लिए, बहुत ही दामी स्कूल है ये। ये देखिए आप बाहर से इसका नज़ारा देख लीजिए कैसा दिखता है। ये इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ का। चलते रहिए गाइस मेरे साथ, चलते हैं घर की तरफ।
यहाँ के बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, तो सबसे आपको उनको दिखा दें। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ मिलता है, विदेश मिलता है, जामुन फोटो सब चीज करके कस्टमर को मिलेगा। यहाँ भी मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए आया था। इसी के साथ अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ, और ये हमारे घर की गली, चलते रहिए, आपको दिखा देंगे गाइस। बहुत ही मेहनत से मैं एडमिशन करवा के यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए आपको क्या दिखाते हैं, डॉगी। ये देखिए छोटा डॉगी, ये इसकी मम्मी है, दोनों रेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर कमेंट में, कौन सा इसका कौन सा पार्ट वीडियो अच्छा लगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।